नमस्कार। पैसा कहता है बिल्कुल, पैसा भी बोलता है। पैसा कहता है कि मेरे बारे में ये बातें जान लेना। अगर ये बातें आपको पता नहीं है और अगर ये बातें आपने की ना, तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। पैसे की ये बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होगी आपकी लाइफ में, वरना ये पैसा चंचल है, ये मनी चंचल है। कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है। क्यों होती है? लक्ष्मी किसी के पास ठहरती नहीं है। लक्ष्मी सिर्फ ऐसे लोगों के पास ठहरती है, बाकी हर किसी के पास नहीं ठहरती। इसलिए पैसों की ये बातें आप जरूर ध्यान रखना। और ये बातें क्या है ये देखिए। नंबर वन, दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में कर्ज में न डूबे, ध्यान रखना। पैसे के मामले में किसी से बराबरी मत करना। सामने वाले के पास पैसे हैं, वो गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन अगर आप सामने वाले को इंप्रेस करने के चक्कर में आप भी गाड़ी लोन पे ला रहे हो, आप भी घर लोन पर बना रहे हो, आप भी अपने घर में फर्नीचर के आइटम सब लोन पे कर रहे हो, आप भी अपने घर में सानो सोकत के सामान सब लोन पर ला रहे हो, तो संभल जाना। किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में लोन मत लेना, कर्ज में मत डूबना। पैसा कहता है कि अगर लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में आपने कर्ज लिया, तो एक न एक दिन यही कर्ज आपको डूबो जाएगा। पैसा के सबसे बड़ा रूल यही कहता है कि अपनी जो जिंदगी चल रही है उसे चलने दे। हाँ, मेहनत करे, प्रयास करे आगे बढ़ने का, लेकिन किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में आप लोन न लें, आप इंप्रेस करने के चक्कर में कर्ज में न डूबे, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सेकंड, ऐसी चीज कभी ना खरीदे जिसका मूल्य बाद में कम होता जाता है। पैसा कहता है कि मुझे वहां इन्वेस्ट करना जहां मैं बढ़ता रहूं। पैसा कहता है कि मुझे वहां इन्वेस्ट मत करना जो मैं समय के साथ घटता रहूं। ध्यान रखना पैसे की सबसे बड़ी बात। कोई भी आप चीज खरीदते हो, ऐसी चीज मत खरीदना जिसका भविष्य में उसका मूल्य कम हो जाए। ऐसी चीज खरीदना जैसे प्रॉपर्टी हो गई या कुछ भी और अदर चीज हो गई जिसकी मूल्य इन फ्यूचर में बढ़ता जाए। अगर आप ऐसी चीजें सानो सोकत की या आप कोई गाड़ी वगैरह और आप कुछ भी ऐसी चीजें खरीदोगे ना, उसका क्या होता है? इसका मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है, कभी बढ़ता नहीं है। तो पैसा कहता है कि मुझे वहां इन्वेस्ट करना जहां मैं बढ़ सकूं, वहां इन्वेस्ट मत करना जो समय के साथ मैं घटता। थर्ड, पैसा कहता है कि अपनी कमाई से अधिक खर्च मत करना। पैसा कहता है कि मैं आपके पास तभी आऊंगा जब आप अपनी कमाई से कम खर्च करोगे। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करोगे तो मैं आपके साथ में कैसे टिकूंगा? आपकी कमाई तो है कम, आप खर्च ज्यादा कर रहे हो, लोन लेकर ज्यादा खर्च कर रहे हो, और जब उस कर्ज को चुकाने की बारी आएगी तो आप कैसे चुकाओगे? आपकी तो इतनी कमाई नहीं है, तो फिर मैं आपके पास कहां टिकूंगा? इसलिए पैसा कहता है कि मुझे उतना ही खर्च करना जितनी आपकी आमदनी हो, वरना मैं आपके पास कभी नहीं टिकूंगा। पैसा कहता है कि मुझे लगातार निवेश करते रहे हैं, मुझे लगातार ऐसी जगह डालते रहे जो मैं बढ़ता रहूं, और एनालिसिस करते रहे। पैसा कहता है कि मुझे कहीं एक जगह पर इकट्ठा मत करना। आप उस पैसे को लेकर घर पे इकट्ठा कर रहे हो या बैंक में डाल दिया कहीं, नहीं। पैसे का सबसे बड़ा रूल्स है कि पैसा कहता है कि मुझे निवेश करते रहे, मुझे ऐसी जगह डाले जहां मैं बढ़ता रहूं, जहां मेरी ग्रोथ होती रहे, तब मैं आपके पास में टिकूंगा। तो पैसे की ये चार बातें आप जरूर याद रखना, तभी आप पैसा आपके पास टिकेगा, वरना पैसा कहता है कि मैं आपके पास कभी नहीं टिकूंगा। मेरी ये चार बातें आप ध्यान रखना। अगर आपने ध्यान रखी तो मैं आपके घर में हमेशा रहूंगा और आपके लिए मैं हमेशा बढ़ता रहूंगा।